अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल शेफ मॉम। आज हम बना रहे हैं बहुत यमी सा डीप डिश पिज़्ज़ा। वैसे तो मैं पिज़्ज़ा बहुत से बना चुकी हूँ, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ आप लोगों के लिए। पहले मैं घर में बना चुकी हूँ ये। तो मैंने मैदा ले लिया है, तकरीबन मैंने 3 कप मैदा लिया है। ये फ्लोर मैंने 3 कप लिए हैं, और इसके साथ साथ मैंने ये मकई का आटा लिया है। यानी ये मैंने भुट्टे का जो होता है वो मकई का आटा लिया है, ये मैंने आधा कप लिया है। ये 3 कप मैंने मैदा लिया है और आधा कप मकई का आटा लिया है, और पानी साथ में लिया है। ये मैंने ईस्ट डाल मिक्स करने के लिए नीम गर्म पानी लिया है, और इसके साथ साथ ऑयल लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून ऑयल लिएगा। नमक 1 टीस्पून लिएगा या थोड़ा सा बढ़ा लिएगा, और शक्कर मैंने 2 टेबल स्पून से 2.5 टेबल स्पून लिए, और ईस्ट जो है ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। तो ये हमें डो बनाने के लिए चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी ले लिया, लुक्वे वार्म वाटर, और इसमें मैं 2 टेबल स्पून ईस्ट ऐड करूँगी, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी। और 10 मिनट के लिए इसलिए रखूँगी कि ये अगर ये ईस्ट अच्छा नहीं है तो ये अभी ही रिएक्शन नहीं करेगा, 10 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा ये थोड़ा फ्लफ़ी फूलेगा नहीं। और जब तक हम आटा ले लेते हैं, और ये देखें ईस्ट जो है हमारा 10 मिनट बाद रेडी हो गया है और ये मोटा फूल सा गया है। वरना ये होता है कि आप आटे में डायरेक्ट ईस्ट डाल देंगे तो आपका आटा सारा ख़राब हो जाएगा अगर फूलेगा नहीं ईस्ट। तो ये पहले से हमें पता चल जाता है कि ईस्ट सही है या नहीं है। तो आटे में हमने मकई का आटा आधा कप डाल दिया, इसके साथ नमक डाल दिया 1 टीस्पून, शक्कर डाल दिए तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून, और इसके साथ साथ अब हम ऑयल डाल रहे हैं, और ऑयल भी तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून है। वैसे 2 डाल दें काफ़ी है। तो मैंने 3 कप मैदा लिया है, आधा कप मैंने इसमें मकई का आटा लिया है, और अब ये मिक्सचर जो हमने ईस्ट का बनाया था वो डाल दिया है। तो अगर आपका ईस्ट का मिक्सचर इधर अच्छा ना फूले तो आप दूसरा ईस्ट ले लें, आपका मैदा वगैरह बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। वरना ये होता है कि जब आपका आटा फूलता नहीं है बहुत देर आप रखने के बाद भी रिएक्शन नहीं करता तो प्रॉब्लम होती है। तो 10 मिनट में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि ईस्ट सही है कि नहीं सही है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ, वैसे हाथ से गूंदना है, कोई भी काम स्पून से गूंदने का नहीं हो पाता है तो हाथ से हमें करना पड़ता है। तो हाथ से जो है हम ग्रेजुअली इसमें पानी ऐड करके इसकी डो बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं, नॉर्मल बिल्कुल डो होगी, ना बहुत पतली डो होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा सख्त डो होनी चाहिए। तो और बहुत ज़्यादा फाइन आपको नहीं गूंदना है, बस आप अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद और फिर आप रख दें। मैंने इसे बड़े बाउल में कर दिया क्योंकि ये अभी डबल साइज़ में हो जाएगा, तो वो मेरा बाउल छोटा था इसलिए मैंने इसे गर्म जगह पे रख दिया है। आप गर्म जगह रखिएगा इसे, चूल्हे के करीब रखिएगा। तो मैंने ले लिए सीख कबाब, किसी भी आप ब्रांड के सीख कबाब ले रहे हैं, मैंने सीख कबाब ले लिए या फिर आप घर में बना लें। और इसके साथ साथ मैंने मोज़रेला चीज़ लिए और चेडर चीज़ लिए, और इसमें चीज़ वाफिर मकदार में डलती है। टमाटर लिए हैं मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, और इसके साथ साथ मैंने 1 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए, और लहसुन तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून लिया है मैंने, फ़ाइन कट लिया है बिल्कुल लहसुन गार्लिक, और इसके साथ साथ नमक लिया है ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून, 1 से 1.5 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, और ये मैंने हर्ब लिए हैं ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। और हर्ब के साथ साथ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टीस्पून, और मैंने ले ली कैप्सिकम मैंने 1 बड़े साइज़ की लिए, और प्याज मैंने 1 दरमियाने साइज़ की लिए, और मैंने इसमें ऑलिव्स ब्लैक वाले ले लिए हैं। अच्छा ये जो है ये केचप है, ये तकरीबन केचप 1/4 कप लिएगा, और ये चिली गार्लिक सॉस है ये तकरीबन 3 टेबल स्पून लिएगा, या फिर आप ऐसे हिसाब लगा लेंगे केचप आप 4 से 5 टेबल स्पून ले लें और चिली गार्लिक सॉस आप 3 टेबल स्पून लिएगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, और जो डीप डिश पिज़्ज़ा होता है इसमें जो होता है चीज़ काफ़ी सारी होती है, रिच होता है ये, थोड़ा चीज़ से भरपूर होता है। तो ऑयल ले लिया मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है गार्लिक, और जब गार्लिक की अच्छी सी स्मेल आने लगे आप लोगों को तकरीबन आधे मिनट में अच्छी सी स्मेल आने लगेगी, तो फिर हम इसके अंदर प्याज यानी अनियन ऐड कर देंगे 1 दरमियाने साइज़ की, और इसको सौते करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, जब इसकी भी अच्छी सी स्मेल आने लगेगी
तो फिर हम इसके अंदर टमाटोज़ यानी टमाटर दो बड़े जो हमने लिए हैं वो ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो अब मैं टमाटरों के साथ साथ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, और एक टीस्पून सॉल्ट है ये, या फिर हसबे जायका जितना आप टेस्ट करके बाद में आप देख लीजिएगा कि जितना आपको पिज़्ज़ा के हिसाब से नमक सही लगता है। और मैंने इसे कवर्ड कर दिया ताकि जो हमारे टमाटर हैं सॉफ्ट हो जाएं, और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए लेकिन अब मुझे इसे ग्राइंड करना है। और आप किसी भी चीज़ में बीटर से ग्राइंड कर लें, किसी से भी आप बीटर से तो बीट करते हैं, आप ग्राइंडर में आप इसे ग्राइंड कर लें और इसका एक बैटर सा बन जाएगा। और अब इसके अंदर मैंने टमाटो केचप ऐड कर दिया है, तकरीबन 4 से 4.5 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड किया है, और चिली गार्लिक सॉस मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 3 टेबल स्पून, और सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं इसके अंदर यानी हर्ब्स मैंने 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर मैंने 1 टी स्पून, और चिली फ्लेक्स 1 टी स्पून, या फिर जितनी आपको स्पाइस पसंद है आप उस हिसाब से डालिएगा। तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स कर लिया है, और बस हमें तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, 4 से 5 मिनट 6 मिनट पकाना है। और ये इसकी ये कंसिस्टेंसी आप देख लें, तो हमें इसका एक जो हमारा पिज़्ज़ा सॉस होता है हमें उस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो ये हमारा रेडी हो गया है और मैंने इसे बंद कर दिया है, और हमारी डो अच्छे तरीके से राइज हो गई है, बिल्कुल फूल गई है, अपने से डबल साइज़ में हो गई है। तो बस एक दफ़ा हम दोबारा से इसमें मुक्कियाँ लगाएंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो सब निकल जाएं। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट मुझे दोबारा इसे मुक्कियाँ मारनी है अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर हम जो हमारा आगे का प्रोसेस होगा वो करेंगे। तो हमें इसमें से एयर अच्छे तरीके से निकाल देनी है और फिर ये स्मूथ हो जाएगा थोड़ा इस तरीके से। हम बस इसमें से एयर निकाल दिया और ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, और अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो एक ये डीप डिश पिज़्ज़ा का एक से मैं बना रही हूँ, और एक से मैं अभी बाद में बनाऊँगी, अभी मैं आपको दिखाने के लिए एक बना रही हूँ। तो अभी इसको बेलना है हमें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है ना बहुत ज़्यादा मोटा करना है, लेकिन हद से ज़्यादा पतला भी नहीं किएगा। और अब जो आपके पैन देखें, मैंने 2 से 3 इंची पैन लिया है ये पिज़्ज़ा का, क्योंकि डीप डिश पिज़्ज़ा होता है तो ये पतला नहीं होता है, थोड़ा मोटा होता है, और इसकी क्रस्ट भी थोड़ी हार्ड होती है, सख्त होती है। तो ये मैंने ले लिया, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, और अब हम इसके जो हमारी डो है पिज़्ज़ा की वो इसके ऊपर पूरे पे फैला देंगे, यानी इसके ऊपर किनारों तक पे कॉर्नर्स तक पे डो आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम इसको सेट करेंगे और बहुत आराम से इसे प्रेस कर करके इसको सॉफ्ट सा प्रेस किएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिएगा। तो इसको हमें एक सांचा बनाना है, जैसे एक डिश होती है तो इसको सांचा बनाना है। ज़्यादातर अब जो लोग होते हैं ये वाला पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत पुराना हो गया, बहुत सालों से चल रहा है, तो बस ये थोड़ा रिच होता है। अब इस तरीके से हम इसे प्रेस कर देंगे, और जो इसके साइड का कॉर्नर का होगा फिर हम ये हटा देंगे जो ऊपर लटका हुआ है। तो बस अच्छे तरीके से हमें इसको प्रेस करना है, और बहुत हल्के हाथ से किएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं किएगा, वरना ये आपके पैन में अभी से चिपक जाएगा बिल्कुल। तो इसके अंदर कोई बबल ना आ रहा है, और अब इस तरह से बेलन को हम चलाएंगे और इसके जो साइड में जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं वो हम हटा देंगे इस तरीके से। ये एक्स्ट्रा कॉर्नर आप हटा दिएगा, क्लीन कर दिएगा बिल्कुल। और अब ये जो सीख कबाब थे आप चाहें तो घर में भी बना लें, मैंने ये रेडीमेड बने बनाए लिए हैं, तो इनको मैं कट कर ले रही हूँ। वैसे जो असल जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें चिकन के कीमे में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन अदरक वगैरह मिला के वो बस उसके कोई कबाब नहीं बनाते हैं, बस वो छोटे छोटे बॉल्स ही बना के, वो बीच में कच्ची बॉल्स बना के रख देते हैं, और उसके बाद वो पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। तो जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये भी है, और इस तरीके से पका के भी रखते हैं और कच्चा भी रखते हैं। तो मैं पका के रख रही हूँ, वैसे दोनों तरीके से रखे जाते हैं। तो अब मैं सबसे पहले जो है वो चीज़ की लेयर बिछा रही हूँ, हमें अच्छी खासी चीज़ इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो चीज़ की लेयर मैं बिछा रही हूँ, और अच्छी खासी मैंने चीज़ इसके अंदर डाल दी है, मोज़रेला और चेडर मैंने दोनों लिए हैं चीज़, दोनों की तह लगेगी इसके ऊपर,
तो पहले मैंने चेडर डाली है और अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला ऐड कर दे रही हूँ। और अच्छी मैंने काफ़ी मोटी इसकी लेयर लगाई है चीज़ की। और इसके बाद जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे सीख कबाब। और अगर आपके पास कच्चा कीमा है यानी चिकन जो मैंने अभी अभी चीज़ें बताई हैं, इस तरीके से आप छोटी छोटी बॉल बना के आप वो कच्चा कीमा रख सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। वो भी मैं बना चुकी हूँ पहले, घर में बनाया था मैंने, तो उसका भी टेस्ट बहुत यमी सा होता है। तो वो जो है ज़्यादातर जो ओरिजिनल रेसिपीज़ में है वो उसी तरीके से बनता है, लेकिन कुछ में है कि ये इस तरीके से आप पका के भी डालते हैं, सॉसेजेस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये डाल दिए मैंने, और अब इसके बाद जो है वो हम और चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। और कबाब हमारे डन हो गए। अब मैं इसके ऊपर प्याज को मैं डालूंगी। और अब मैं इसके ऊपर ऑलिव डाल रही हूँ, और ऑलिव के बाद फिर हम इसके ऊपर कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो बहुत अच्छा सा हमारा ये पिज़्ज़ा बनता है, और थोड़ा सा नए स्टाइल का बनता है। इसकी थोड़ी क्रस्ट जो है वो थोड़ी हार्ड रखिएगा, इसका क्रस्ट जो है थोड़ा सख्त होता है, वो अच्छा लगता है। और अब इसके ऊपर मैं दोबारा से मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्लाइसेस हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जो हमने सॉस बनाया था, पिज़्ज़ा सॉस, वो मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो सेंटर में चीज़ नहीं डालें, आप डायरेक्ट पिज़्ज़ा का सॉस अप्लाई कर दें, प्याज और कैप्सिकम और ये सारी चीज़ों के बाद आप सॉस ऐड कर दें, उसके बाद फिर आप लास्ट में आप चीज़ की लेयर लगा दें। तो इस तरीके से जितना आपको सॉस चाहिए आप उतना डालिएगा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डालिएगा कि जितना सॉस आपको अच्छा लगता है। तो कुछ लोग होते हैं उन्हें कम सॉस पसंद है तो कम आप डालिएगा। तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा से चीज़ यानी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। बहुत हैवी पिज़्ज़ा होता है ये, इसका एक स्लाइस ही बहुत मोटा और हैवी होता है, पेट भर जाता है। तो इसके ऊपर अब मैंने दोबारा से मैंने ऑलिव ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इसके ऊपर कैप्सिकम डाल रही हूँ। और बस हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, तकरीबन ओवन में जाने को तैयार है। और तकरीबन ये आधे घंटे मैंने इसको बेक किया था, 25 मिनट से 30 मिनट लगे थे। उसके बाद हमारा बहुत मज़ेदार सा रेडी हुआ था पिज़्ज़ा। अच्छा, मैंने जो इसकी वीडियो बनाई है लास्ट की, वो बिल्कुल गर्म उसी वक्त की है जब ये थोड़ा ठंडा हुआ था। तो इसकी चीज़ जो है बहुत अच्छी, यानी बहुत साफ़ सुथरी सी हो गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल गर्म उसी वक्त निकल के आया है। ये आप देखें, ओवन में से उसी वक्त निकल के आया था, तो मैंने कट किया था तो बहुत ज़्यादा मेल्ट हुई हुई थी गर्मी से चीज़। इसके बाद जब ये ठहरा आधे घंटे के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर हो गया था। तो बहुत स्पेशल सा हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ था, डीप डिश पिज़्ज़ा। और मैंने कहा इस दफ़ा मैं आपसे ये शेयर करती हूँ, पहले मैं बना चुकी हूँ ये, लेकिन मैंने चैनल पर ऐड नहीं किया था। अब मैं चैनल पर अपलोड कर रही हूँ इसको, और अच्छा बनता है। थोड़ा सा आप ठंडा करके यानी कट किएगा तो बहुत ही मज़ेदार सा और यूनिक सा बनता है। और इसमें कुछ टिप्स हैं कि अगर आपको जितना आपको सॉस वगैरह की ज़रूरत हो, जितना अच्छा लगता है उस हिसाब से डालिएगा। बेसिकली मुझे कम सॉस पसंद है, और लेकिन मुझे पिज़्ज़ा दिखाना था इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, लेकिन मुझे कम सॉस पसंद है तो मैं कम डालती हूँ, लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा डाला है क्योंकि वहाँ जो है जहाँ जो उसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसमें सॉसेस ज़्यादा डाले जाते हैं। तो बस रेडी है हमारा बहुत यमी सा और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किएगा और मेरी वीडियोस को लाइक किएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।